कि इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा पावर कॉम के मुखी के साथ एक बैठक की गई और बिजली की सप्लाई से संबंधित पेश आ रही मुश्किलों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। इन इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि बिजली के लग रहे लंबे कट के कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें रेगुलर बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाए। अज असी इत्थे बिजली बोर्ड की मीटिंग रखी है जी NKH दे विच। मेरा नाम कुलवंत सिंह, मैं प्रेजिडेंट हैं चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर दा। असी इत्थे अज चीफ साहब नूं नाल सारे SCs एक्सीएंस सारे लुधियाने दे उन्हां नूं इत्थे सद्दा दित्ता है जी। जिन्नियां भी इंडस्ट्री दीआं प्रॉब्लम्स ने, जिस एरिए किसी कोई तारा नीवियां ने या किसी एरिए बिजली की जिहड़ी क्वालिटी है वह बड़ी पुअर है, जिते कि शट डाउन बहुत ज़्यादा रहिंदी है, वह कंप्लेंटा इंडस्ट्री दीआं दसण वास्ते अज असी सारी PSCPCL की टीम नूं इत्थे इनवाइट किया ताकि इंडस्ट्री की जिन्नियां भी कोई प्रॉब्लम्स ने वह सारियां प्रॉब्लम इंडस्ट्री दीआं हल हो सकन। गल है जी, उहदे वास्ते असी उपर तक बड़ी कोशिश की है, उपर गए भी हैं। वो अज की मीटिंग वो जो रेटा वाला मसला है वो हैगा रेगुलेटरी कमेटी का, वो असी पहला भी उपर जाके सारे दस चुके हैं, गल कर चुके हैं, वो रेगुलेटरी कमेटी से पा देंगे, जबकि रेगुलेटरी कमेटी भी CM साहब के थले है। छोटी इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं दी, जिस तरह के साढ़े CM साहब ने वादा भी किया पांच रुपये बिजली देनी है, छोटी इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं जी दी। वड्डी इंडस्ट्री को बिजली जरूर फर्नसिस रोलिंग मिल्स में पांच रुपये मिली है। एक इन्हें जोड़ा फिक्स चार्जिज लाता ना जी, वो फिक्स चार्जिज लगन के नाल छोटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिक्स चार्जिज का यूनिटा के उत्ते एक तो फिक्स चार्जिज पै जाते हैं, एक पर यूनिट पैसे लगते हैं, वो जोड़े पर यूनिट पैसे लगते हैं और फिक्स चार्जिज लगते हैं वो बिजली महंगी हो जाती है। छोटी इंडस्ट्री है जी वो सिर्फ 8 घंटे वर्किंग करती है, वो उन्ने यूनिट फुकते नहीं है, उस करके जोड़ा यूनिट है वह महंगा पैंता। जी वी इंडस्ट्री है वो बिजली ज़्यादा फूक लेंदी है, तो उन्होंने वड्डी इंडस्ट्री फर्नस रोलिंग मिल्स में उन्होंने जी बिजली है वो 6-6.5 रुपये यूनिट पैंती है। जी छोटी इंडस्ट्री है वो अज की डेट भी 9-10 रुपये पर यूनिट पै रहा, लेकिन इंडस्ट्री का जोड़ा साड़ी का वो किसी भी सरकार को कोई ख्याल नहीं है, ना सरकार इस चीज़ का ख्याल कर दें। असी बहुत मीटिंगा कीतियां, बहुत मीटिंगा करन तो बाद हंभ के बैठ गए भाई साडा इंडस्ट्री का कोई हल नहीं होना, ये इदां ही चली जानी है, क्योंकि अज भी असी जिहड़ी मीटिंग सदी अज तां सिर्फ असी ये मीटिंग सदी है भी जिन्नियां भी शहर दे विच जिस भी एरिए दे विच कोई तारा नीवियां ने, कोई तारा नंगियां ने, कोई खंभे लगन वाले ने, या कोई 66 KVA के सब स्टेशन लगन वाले ने, क्योंकि 11 KVA बड़ी लंबिया लंबिया लाइना पईयां होईयां ने, उन्हां करके इंडस्ट्री च बिजली बहुत ज़्यादा बंद रहिंदी है। उन्हां दी जिहड़ी इंडस्ट्री दी और बिजली दी जिहड़ी है उहदे वास्ते खपत वास्ते असीं चाहुंदे हां भी वो साडा कम जिहड़ा हैगा, साडे जिहड़े नवें चीफ साहब आए ने ये काफ़ी हद तक इन्हां ने सुधार भी किया, तो अगे भी ये साढ़े नाल इन्होंने वादा किया है भी जो भी इंडस्ट्री दी प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं दसो, मैं हल करना। असीं अज इन्हां नूं यही रिक्वेस्ट करनी है भी साडी इंडस्ट्री वास्ते बिजली की जिहड़ी क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी की जाए। बिजली सानूं जिहड़ी है जे सानूं 14 घंटे 12 घंटे मिलनी है 10 घंटे मिलनी है तो कंटिन्यू मिले, उहदे च कट ना लगना।